बॉलीवुड के सुल्तान दबंग खान यानी सलमान खान जब किसी से दोस्ती करते हैं तो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। पूरा बॉलीवुड जानता है कि भाईजान जिसको पसंद करते हैं तो उसकी लाइफ बना देते हैं, और अगर किसी ने उनसे पंगा ले लिया तो उसे कभी माफ नहीं करते। विवेक ओबेरॉय तो अभी तक सलमान से पंगा लेकर पछता रहे हैं। विवेक ने कई बार माफी मांग ली लेकिन सलमान विवेक को इतने सालों के बाद भी माफ करने के मूड में नहीं है। बॉलीवुड के किंग खान भी सलमान से हुए पंगे को लेकर काफी टेंशन में आ गए थे, लेकिन अब दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। खैर, ये बात तो आप सभी को पता होगी कि सल्लू भाई ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन कपिल के साथ नहीं किया, बल्कि सोनी चैनल पर ही डॉक्टर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर और उनकी टीम के साथ 2 घंटे का स्पेशल शो सुपर नाइट विद ट्यूबलाइट बनाकर किया। लेकिन सवाल ये है कि सल्लू भाई ने आखिर ऐसा क्यों किया। दरअसल कपिल ने सलमान से सुल्तान के प्रमोशन के दौरान पंगा ले लिया था। हुआ क्या था कि सुल्तान के प्रमोशन में बेहद बिजी होने के बावजूद भी सलमान कपिल के शो के सेट पर अपने राइट टाइम पर पहुंच गए थे, लेकिन उस दिन सेट पर कपिल काफी देर से पहुंचे और सलमान को काफी देर तक इंतजार कराया। अब भाई कुछ भी कह लो, लेकिन ये बात गलत है तो गलत है। दोस्तों, सलमान खान ही नहीं, कपिल ने विद्या बालन जैसी कई और सेलिब्रिटीज को भी इंतजार कराया है, लेकिन ये बात दबंग खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हो सकता है तभी उन्होंने ये फैसला किया हो कि आगे से वो इस शो में नहीं आएंगे, और इसीलिए उन्होंने सुनील ग्रोवर की टीम के साथ ट्यूबलाइट का प्रमोशन किया। हालांकि कपिल शर्मा को इससे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कपिल का शो खत्म होने के बाद सुनील का शो शुरू हुआ था, वो भी 2 घंटे से। सलमान की ट्यूबलाइट दर्शकों की उम्मीद के हिसाब से ज्यादा नहीं चल पाई, तो अब कपिल की टीम की टेंशन खत्म हो गई है। कपिल को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे चादर बिछाकर बैठकर 2 मिनट में भूत और भविष्य बताने वाले किसी झोला छाप पंडित की तरह चवन्नी छाप लोग ट्यूबलाइट की नहीं चलने का रीजन भी यही बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कपिल के शो में नहीं आया इसलिए फिल्म नहीं चली। अरे भाई, कपिल के शो में तो बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म का प्रमोशन किया जाता है, तो उनमें से कितनी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं? और देश की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 का प्रमोशन भी तो इस शो में नहीं हुआ। तो दोस्तों, नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दें